हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज है गणेश चतुर्थी और आज हमने फर्स्ट टाइम गणेश जी लाए हैं अपने घर और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें इस चीज की। और आप सबको भी हैप्पी गणेश चतुर्थी। और हमारी माता जी तैयार हो चुके हैं ड्यूटी के लिए। जय माता दी, जय गणेश देवा। तो अभी गणेश जी को हम मंदिर लाएंगे, हमने पूरा सेटिंग वगैरह कर ली है, जो गणेश जी के लिए मंडप बनाना होता है वो बना दिया। ये है हमारा छोटू सा सेज गणेश जी के लिए, थोड़े सिस्टम कर करके, हाँ आम के पत्ते लाने हैं अभी ऐसे सिस्टम करके बना दिया, अगली बार और अच्छा करेंगे। अभी तो टाइम पास समझ लो, बस गणेश जी आ गए हैं वो बड़ी खुशी है, बहुत खुशी हो रही है हमारे। ये टॉवल लिया ऊपर लिया है, लाल चीज लेनी होती है ना। अच्छा, आज हमारे घर गणेश जी पधारे हैं और मंगलमय हो गया हमारा घर। आज बहुत खुशी का दिन है, भगवान सबको ये खुशियाँ दे, बार बार दे। और आपको आज बड़ी खुशी है, खुशी पहली बार हमारे घर आए हैं। पहली बार रखे हैं हमने, ऐसे मोहल्ले में रखते थे, ऐसे करते थे, पर वो जो दूसरे होते हैं ना बिहारी, बड़े वाले लाते हैं वो गणेश, वो तो सारे उधर जाते हैं करते हैं पूजा। और हमने बोला इस बार विदू का मन था कि घर में लाने हैं, घर में अपने उनकी पूजा करनी है, देखते हैं हम कितने दिन रख पाते हैं। 7 दिन रखने हैं, तो समय 7 दिन, 7 दिन सोचा हुआ है, 3, 7, 21, सबको पता है कि कितने दिन रखे जाते हैं। हमें इतनी नॉलेज नहीं है, प्लीज हमें कमेंट करके कुछ बताएं, हमारे से कुछ कमी रह गई हो आप हमें जरूर बताना। ठीक है, तभी बस एक हमारा जो छुटकू है वो नहाने गया है, बड़ू यहाँ पे बेड पे लेटा है, इनको बोल रहे नहा लो, ये नहा नहीं रहे हैं कब से। तो छुटकू बोल रहा कि रुक जाओ मैं नहा लेता हूँ, फिर पूजा स्टार्ट करना, ऐसे नहीं करना। मेरी बहन का बेटा, तो उनका वेट कर रहे हैं हम अभी, फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको, दोबारा से एंजॉय करो, हैप्पीनेस आए तुम्हारी लाइफ में, सबकी लाइफ में, हमारी लाइफ में भी। दुख सुख चलते रहते हैं, बट ये है कि हैप्पीनेस के लिए करते रहो, प्रे करते रहो कि सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ खुश रहे। चलो दिल में दुख रहे। तो है, पर भगवान ही हमारा दुख दूर करेंगे ना, अगर भगवान के चरणों में हम जाएंगे। दुख बहुत है, ये अभी अभी ऐसे हुआ हमारे साथ, इतना बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी उस भगवान को तो मानना ही ना, उसको भी ना हम छोड़ सकते, वही हमारे दुख दूर करेगा, इस करके भगवान सबको सुख दे। चलो हमने अपने घर में रखे हैं गणेश जी, अब गणेश चतुर्थी चल रही है, उसके दिन चल रहे हैं, तो हमने वो रखे हैं उनके लिए, हम उनके प्रसाद के लिए हम घर के लड्डू बनाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं, हम बेसन के लड्डू कैसे बनाते हैं उनमें हम पूरी रेसिपी बताएंगे, इसमें क्या क्या डालना, कैसे बनाने हैं। चलो आप भी हमारे साथ और देखें हम कैसे बनाते हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया 2 कोली बेसन लिया हुआ है, घी लिया हुआ है, साथ में चीनी ली हुई है, पीस ली है चीनी, घर में बना रहे हैं तो घर में चीनी पीस ली है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे इसमें। हम स्टार्ट करते हैं, हम अब बेसन के लड्डू बनाना, थोड़ा सा घी इसमें डाल लिया मैंने, और थोड़ा जो डालना बाकी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, करो स्टार्ट। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। ये डाल दिया, इसको अपन आस्ता आस्ता बनेंगे, पहले कम डालना है घी, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना, जैसे जैसे इसको भूनेंगे। अब ये थोड़ा भून रहे हैं आस्ता आस्ता, ये ब्राउन होने लगा है, साथ में जो थोड़ा मॉइस्चर भी होने लगा है उसमें, जो हमने घी डाला था उसके बाद फिर डाला हमने दूसरी बार, हम दाना भून के है ना इसमें, तो बना रहे हैं, खुशबू अच्छी आ रही है। वाह, ये माता श्री हमारी शेफ आज लगी हुई है लड्डू बनाने के लिए। थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है इसको, लेकिन घर की चीज घर की है भाई, कुछ भी है, चीजें बाजार में तो हर चीज मिलती है, लेकिन घर की चीज। हमारा छोटा शेफ, असिस्टेंट शेफ साथ में माता श्री खड़े होकर थोड़ा कमेंट पास कर ये कमेंट्री के लिए आपने रखा हुआ है, साथ में कमेंट्री कर रहा है, एंटरटेनमेंट का साधन बनाए रखे है। और ये शेफ साहब यहाँ पे लगे हैं, चलाने पड़ता है इसको, चलाते रहो। तो देखो थोड़ा हो गया ना साफ साफ, कैसे मैं चलाने लगा। अब दोबारा डालती हूँ इसमें घी,
मैंने दो बार डाल चुकी और ये घी भी देसी घी है घर का बनाया हुआ घी भी घर का बनाया हुआ है थोड़ा थोड़ा थोड़ करके डालना इसमें थोड़ा सा पानी डालना पानी डालने से जो लड्डू है वो थोड़े भुरभुरे अच्छे से हो जाते हैं सॉफ्ट से वो डालना है अब इसको हमने ऐसे करके फिर बंद कर देना है करना बंद इसको इसको ऐसे नीचे उतार के ऐसे करते रहेंगे बंद कर दिया वो तो चीनी कब डालनी है थोड़ा सा टाइम लगना है इसको मिक्स करने में ऐसे करना चीनी कब डालनी है मैम थोड़ा बड़ा गर्म है ना थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ा सा ज्यादा नहीं हम हमने डालनी है चीनी ऊपर से हीटर बंद कर दिया हमने अब चीनी डालेंगे डाल दी ये डाली है हमने जितना वो डाला था उससे आधी क्या डाला था जितना बेसन डाला था उससे आधी है लेकिन ये स्वाद अनुसार जितना भैया आप मीठा पसंद करते हो उतनी डालनी है अब इसको हमने ऐसे मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करके मैं अच्छे से फिर हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे तो मम्मी जी लड्डू बनाना स्टार्ट हो गई है छोटे छोटे लड्डू बन रहे हैं हमारे गणेश भगवान जी के छोटे छोटे से पिचू पिचू से मतेश जी आपको कैसा लग रहा है आपने पहली बार गणेश जी लाया है पहली बार बनाया अच्छा लग रहा है थोड़े थोड़े छोटे छोटे बना रही हूँ थोड़ा घी लगा रही हूँ हाथ को फिर ऐसे करके बना रही हूँ पहले ऐसे कर रही हूँ गर्म गर्म है थोड़ा हाथों को लग रहा है नहीं बड़ा ठंडे से भी नहीं बनते है ना फिर ठीक है अब मैं हेल्प करती हूँ मम्मी के लड्डू बनाने में फिर आपको दिखाते हैं हमारे लड्डू देखो यार कितना अच्छा लग रहा है खुशी मिल रही है ये माता हमारी मेरा लड्डू अभी मैंने हाथ धोने हैं सबसे बड़ा लड्डू है ऊपर बना दिया हमने हमें ऐसे करके भोग पसीने देखना मम्मा को चलो कोई नहीं काम करने में पसीना तो आता ही यही तो है मेहनत रंग लाई है अभी चढ़ेंगे गणेश भगवान जी को हम चढ़ जाएंगे गणेश गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा बोलो गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा आराम से आराम से आराम से स्वागतम 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 गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया पधारो हमारे घर में पधारो ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः टिक्का लगा दो मोली भी बांध दो माचिस लाना साइड उधर से जरूर से माचिस लाओ जय गणेश देवा माता